Hello everyone. This is Rahul Dawad and once again, welcome back to my channel. In this particular video, I am going to discuss about Uttarakhand Open University result, Uttarakhand Open University admission, and Uttarakhand Open University back form, and lots of things that I am going to cover in this particular video. So, if you are new over here, then you must subscribe to the channel. You all know and definitely press the notification bell icon. And one more important thing, do watch the video till the end and if you have so many doubts about Uttarakhand Open University so I assured you and I guarantee you that will going to be cleared, okay? So let us take you to the official website and discuss how you will check out your results. So let's see. First, I am going to talk about Uttarakhand Open University latest result announcement 2023, July-August. So uh, I mean uh, which result has been declared by Uttarakhand Open University and how you will check out them. सो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करना होगा डाउनलोड रिजल्ट जुलाई अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा आपका सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप लोग चेकआउट करेंगे यहाँ से बी ए सेवेंटीन का पहले ही डिक्लेयर किया गया था फाइनल ईयर का एंड बी ए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी आपका थर्ड ईयर का पहले डिक्लेयर किया गया था एंड बी कॉम टू थाउजेंड सेवेंटीन कोर्स में भी ये आपका फाइनल ईयर का पहले ही डिक्लेयर किया गया था लेकिन यहाँ से जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सिलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ़ मैथमेटिक्स 2017 का रिज़ल्ट डेयर किया गया है फाइनल ईयर का और साथ में यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स होम साइंस 2019 का थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आज की डेट में पब्लिश किया गया है और मास्टर ऑफ होम साइंस 2021 में आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है आज की डेट में तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं ये नए रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स मैथमेटिक्स का साथ पे बैचल ऑफ आर्ट्स टू थाउजेंड नाइनटीन कोर्स होम साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कोर्स होम साइंस में इनके रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर किए गए हैं बैक पेपर भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बैक के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बैक के मास्टर ऑफ होम साइंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का डिक्लेयर किया गया है जैसे बीकॉम टू थाउजेंड सेवेंटीन का है, तो फाइनल ईयर का ही आपको बैक देखने को मिलेगा इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट एक्सेस कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट टाइम गोइंग टू टॉक अबाउट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 आप लोग जानते उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है इससे पहले आप लोगों को आवेदन करना है 30 सितंबर 2023 सितंबर दाखिले की अंतिम तिथि आप लोग जानते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दाखिले के बहुत कम दिन आपके पास शेष हैं कल की डेट इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जितने सारे स्टूडेंट अभी जिस भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग एडमिशन ले सकते हैं तीस सप्टेम्बर दो हजार तेईस एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनल ईयर जिनके रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए हैं ऑलराइट तो right. so, यहाँ पर जानकारी दिया गया है इच्छुक तीस सप्टेम्बर तक प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे वहीं जो शिक्षार्थी अगस्त सेप्टेम्बर में परीक्षा दे चुके हैं वो भी बिना रिजल्ट का इंतजार किए बिना आप लोग अपना नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ने ईयर में ने एडमिशन ले सकते हैं यूयू में बी थी फर्स्ट एक अगस्त जुलाई 2023 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय ने 30 अगस्त को प्रवेश लेने की अंतिम तिथि पंद्रह uh, सितंबर तक बढ़ाई थी हालांकि इस बीच अन्य विश्वविद्यालय कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने के कारण काफ़ी कम छात्रों ने दाखिले का आवेदन किया सभी जगह प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कई छात्र ऐसे रह गए थे जिन्हें कहीं प्रवेश नहीं मिल पाया था ऐसे में पंद्रह सेप्टेंबर को ऑनलाइन दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस सेप्टेम्बर कर दी गई थी तो प्रवेश प्रभारी डॉक्टर मदन जोशी ने बताया कि रिजल्ट की छूट में फाइनल ईयर के शिक्षार्थी शामिल नहीं होंगे तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में दिए हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं नेक्स्ट कोर्स में बाकी जितने सारे जैसे फर्स्ट ईयर हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट में या फिर मास्टर कोर्स में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो एडमिशन स्टूडेंट है वो अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना सुनिश्चित करेंगे आप लोग जानते हैं अगर एडमिशन मिस होता है तो आपका जो छः मंथ का गैप होता है कोर्स में वो आपका टाइम ड्यूरेशन यानी टाइम कंज्यूमिंग रहता है टाइम वेस्ट होता है आपका छः महीने का पूरा एक सेमेस्टर आपका लॉस्ट हो जाता है और इतने ही देर में आपको फिर डिग्री सर्टिफिकेट और आपके जितने सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो इश्यू होते हैं ऑफिशियली उतना डिले होता है अगर आप एडमिशन पेंडिंग रखते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं अपना नेक्स्ट कोर्स में तो रिजल्ट से पहले आप लोगों को एडमिशन लेना है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने क्लियर करा है एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनल ईयर ऑल राइट इस पीड एफ की जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है हमारा ग्रुप्स आप लोग जरूर ज्वाइन करें अनदर थिंग जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर पहले आप लोगों को एडमिशन लेने में शायद कुछ परेशानियाँ व दिक्कत सामना करना पड़ रहा होगा और आई थिंक अभी भी शायद हो रहा होगा एडमिशन uh, लेने के लिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नई एडमिशन लेना चाहेंगे तो न्यू स्टूडेंट यानी पहली बार स्टूडेंट जो इनरोल्ड कर रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में तो वो फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली क्लिक करेंगे और जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो फॉर ऑलरेडी इनरोल्ड पर क्लिक करके अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं फीस संबंधित जानकारी प्रोस्पेक्टस में दिया गया प्रोग्राम सेक्शन से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसमें कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपका एडमिशन के संबंध में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट को ठीक है और जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा पहले क्या था बीच में यूनिवर्सिटी ने जब पोर्टल अपडेट करा था तो यहाँ पर ए बी आपके पास आया था तो वो क्लियरली बिना ए बी के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे ठीक है आप लोग जानते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बिना एडमिशन नहीं हो पा रहे थे लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अगेन पोर्टल अपडेट किया गया अगर अब ए बी एंटर नहीं करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप फॉगेट uh, कर देते हैं स्किप कर देते हैं इस ऑप्शन को तो आपके पास अगेन ऑप्शन आता है कि आप अपना पहले एडमिशन ले ले बिना ए बी के आफ्टर दैट जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया आप स्टूडेंट कॉर्नर पर विजिट करेंगे यहाँ से आप लोग अपना ए बी क्रिएट करने के बाद अपडेट कर सकते हैं ए बी को तो ए बी को अपडेट करने के लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने आपके पास टैप दिया है स्टूडेंट ए बी सी आई अपडेट इन रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से एंटर करना है अपना सेशन सेलेक्ट करना है प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे ईयर सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट यहाँ आप पर आपके पास ए बी सी आई डी अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो आप जो नई ए बी सी आई डी क्रिएट करेंगे तो आप आफ्टर दैट वो एंटर करके अपना सबमिट कर सकते हैं इस तरीके से आपके जो आपने एडमिशन लिया है उसमें ए बी सी आई डी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी ऑल राइट इस तरीके से आप लोग अपना एडमिशन लेना सुनिश्चित करेंगे बिना ए बी सी आई डी के भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिन भी स्टूडेंटों के एप्लीकेशन फॉर्म में या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस से जाके अपना रेफरेंस uh, नंबर एंटर करके डेट ऑफ बर्थ एंटर करके वो ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ से डिटेल चेकआउट कर सकते हैं अपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की ठीक है तो फॉर ऑलरेडी इनमेंट स्टूडेंट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं ये डिटेल फिल करने के लिए ऑल राइट right, ये मैंने बात करी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एडमिशन के बारे में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है बैक फॉर्म के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोगों के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए काफ़ी सारे स्टूडेंट वैकेंसी आई है वो स्टूडेंट क्वेश्चन करें बैक फॉर्म कब आएंगे तो बैक फॉर्म आएंगे अभी नवंबर दिसंबर तक ठीक है नवंबर दिसंबर तक जैसे ही अपडेट आती है बैक फॉर्म की तो वो डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा तो आप लोग अपने बैक फॉर्म फ़िल कर पाएंगे बैक असाइनमेंट फॉर्म फ़िल कर पाएंगे नवंबर दिसंबर तक इसके जैसे अपडेट आएगी आपको सर्वप्रथम हमारे चैनल पर इसकी जानकारी शेयर कर दिया जाएगा बाकी पी एच डी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द पी एच डी कैंडिडेट्स जिनका एक अक्टूबर को आई थिंक एग्जामिनेशन होगा हेल्ड होगा विश्वविद्यालय के अंतर्गत तो आप अपना रेफरेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करके पी का भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट डाउनलोड करके अपने पी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडे So guys that's and for the video and if you think and if you really really enjoy the video then hit the like button and subscribe to our channel for more future update thank you guys thank you for watching this video stay tuned and stay connected with us